देखो दीदी, ये ईटा कितना कठोर और भारी है। ईटा तो कठोर और भारी होगा ही, ये कोई रबर थोड़ी ना है जो मुलायम होगा। रबर तो मुलायम है, लेकिन दीवार, कुर्सी, स्टूल ये भी तो कठोर है। देखो कील भी कठोर है। लोहे की बनी चीजें तो कठोर होंगी, हथौड़ा, कील, लैंप, ये सब कठोर है। दुकान पर तराजू, बाट, ये सब लोहे की बनी चीजें कठोर होती हैं। रेलगाड़ी, औजार, बर्तन, ये सब कठोर होते हैं। मेरी किताब में इन चीजों के बारे में बताया गया है। देखो गौरव, इनकी चीज ये सब है। अरे तुम लोग बहुत देर से बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो भाई? भैया हम लोग कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। किन चीजों के बारे में बात कर रहे हो बेटा? हम लोग लोहे की बनी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। देखें जरा किताब किस चीज की है। ये देखिए बात। अरे तुम लोग तो पदार्थों के बारे में बात कर रहे हो। पदार्थ? हम तो लोहे की बनी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अरे हाँ बेटा, लोहे की बनी चीजें भी पदार्थ से ही बनी होती हैं। लोहा भी एक पदार्थ होता है। अपने आसपास जो हम लोग चीजें देखते हैं ये सब पदार्थ की बनी होती है। जैसे लकड़ी, लकड़ी से बना सामान, कांच, ये देखो कांच का जार है, ये ग्लास है, है? खिलौने हैं, ये लोहे का बना हुआ है, ये लकड़ी का पट्टा, देखो देखो गौरव जरा उठाओ, हाँ ये जो है क्या है, सब पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पदार्थ। हाँ ये सब पदार्थ कहलाते हैं। तुमने आसपास और भी चीजें देखी होंगी, जैसे ये देखो खिलौने रखे हैं, ये सभी जो है ये रबड़ की बनी हुई है, ये देखो ये धातु का बना है, तो ये भी जो है पदार्थ है। कुछ चीजें कड़ी होती हैं, कुछ नर्म होती हैं, पर सभी बनी होती हैं पदार्थ की। जी भैया, ये भी पदार्थ का बना हुआ है। लोहा क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ होता है। रबड़ है, रबड़ का ट्यूब है, ये बहुत नर्म है, है? और बाकी चीजें बहुत कड़ी है, कठोर है, है? इसका क्या कारण है? ये धातु से बनी है। हाँ कुछ धातु की बनी है, कुछ नरम है। वस्तुतः पदार्थ जो है तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस को हम छू के देखते हैं कि वो कड़ा है अथवा नहीं। वो कड़ा होता है, ठोस बहुत कड़ा होता है, है? और देखो अदीना, ये देखो अब इसमें, इस जार में पानी रखा है, देखो ये पानी जो है तरल होता है। जी भैया। इसमें उंगली डाल के देखो, उंगली भीग गई, गई अंदर उंगली, चली गई, इससे क्या पता चला? ये तरल होता है। अच्छा हवा तुमने महसूस की होगी। जी भैया। क्या हवा को देख सकते हो? नहीं भैया। हवा को तुम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? भाई वो दिखाई नहीं देती इसलिए नहीं देख सकते। हवा को हम केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इनमें कुछ समान गुण भी होते हैं, मालूम है? कौन कौन से समान गुण होते हैं मालूम है पदार्थों में? नहीं भैया। अच्छा, इनमें जो है दो समान गुण होते हैं। एक तो ये आकार के होते हैं, कुछ आकार घेरते हैं, स्थान घेरते हैं। ठीक है, ये स्थान घेरते हैं और इनमें कुछ भार होता है। ये कुछ स्थान घेरते हैं और कुछ भार होता है। अब बताओ इसको कैसे तुम समझोगे कि इनमें कोई ऐसी चीज तुम्हें समझ में आती है? अच्छा देखो हम तुम्हें बताते हैं। ये देखो ये ग्लास है, है? इसमें जो है रीना, इसमें देखो कुछ कंकड़ पड़े हैं, जरा डालो वहां, देखो वो और भी पड़े हुए, उठा लो। डालो देखो, ग्लास भर गया। जी भैया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्थान घेरते हैं। ठीक है, अब देखो एक और चीज, ये उठा के देखो, ये हल्का है कि भारी है? हल्का है। हल्का है। अब देखो हमने इसमें पत्थर डाल दिए, तो अब देखो ये कैसा है? भारी है। यानी कि ठोस पदार्थ जो है एक तो कड़े होते हैं, ऊपर से स्थान घेरते हैं, दूसरा गुण है इनका। तीसरा गुण क्या है? ये भारी होते हैं। जैसे कि देखो हम तुमको दिखाते हैं, ग्लास खाली है। ठीक है, अब इसमें से हम जो है थोड़ा सा पानी इसमें हम डाल देंगे। कैसे डाल देंगे? ले लेते हैं ग्लास में। ठीक, देखो यानी के खाली ग्लास तो तुमने उठा के देखा था, हल्का था, इसको उठा के देखो
भारी हो गया, भारी हो गया और देखो ग्लास भर भी गया। जी भैया। तो इससे क्या क्या जो है सिद्ध होता है कि तुम्हारे ग्लास में जो जल भरा है उससे यह सिद्ध होता है कि द्रव जो है स्थान घेरता है और भारी होता है और जिस बर्तन में जाता है उसी का आकार ले लेता है। अच्छा, ये तो दो चीजें हुई। अब मैंने तुमको पदार्थ का एक और रूप बताया। कौन सा रूप बताया? गैस रूप बताया। गैस रूप है तो उसमें भी ये चीज दिखाई जा सकती है। कैसे? देखो हवा को तुम केवल अनुभव कर सकते हो। जी भैया। जो कैसे दिखाएं हम तुमको? देखो ऐसे से एक कागज है, इस कागज से हमने तुमको देखो तुम महसूस करियो। देखो जी भैया। तो तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं, तुमको जो है आराम लग रहा है, अनुभव हो रहा है कि जल में हवा चल रही है। ठीक है, इससे तुम्हें अनुभव हो रहा है कि हवा चल रही है। अच्छा, ये कैसे सिद्ध किया जाए कि इसमें जो है भार होता है? तो ऐसा करो अदीना, देखो वो वहां पे एक कमानी रखी है, जरा उठा लो। हाँ देखो, ये एक तरफ हमने पीले रंग का भरा हुआ, हवा से भरा हुआ गुब्बारा भरा है लगाया है और एक तरफ हमने खाली गुब्बारा लगा रखा है। देखो किस तरफ का पल्ला जो है झुका हुआ है? देखो किस तरफ का पल्ला झुका हुआ है? इस तरफ का भैया। जिधर जो है पीले रंग का गुब्बारा हवा से भरा हुआ लटक रहा है उधर का पल्ला झुका हुआ है, यानी के खाली गुब्बारे में हवा नहीं है। जी भैया। देखो खाली गुब्बारे में हवा है नहीं है और इसमें हवा है। जी भैया। तो ये भरी हुई है, हवा भरने से इसमें भार उत्पन्न हुआ और पल्ला उधर की ओर झुक गया है। इससे क्या सिद्ध होता है कि हवा में भार होता है, यानी गैस पदार्थों में भार होता है। अब देखो हमें तुम्हें सिद्ध करके दिखाना है कि गैस पदार्थ स्थान भी घेरते हैं। देखो हमें भी तुमको दिखाते हैं, एक प्रयोग करते हैं। ये ग्लास है, ये देखो एक रुमाल है और हम क्या करेंगे इस पूरे रुमाल को पूरे ग्लास के अंदर भर देंगे। देखो भर गया। जी भैया। अब इस ग्लास को खूब कस के दबा देंगे। अब इस ग्लास को हमें इस पानी से भरे हुए जार में डुबो देते हैं, देखो क्या होता है। डुबो दिया? जी भैया। अब निकाल रहे हैं हम। जी भैया। गौरव तुम इधर आओ, इधर आओ, निकालो इसको, उठाओ धीरे से, उठा लिया? जी भैया। इसको निकालो, रुमाल निकाल लिया भैया। देखो रुमाल सूखा है। जी भैया। रुमाल कैसे सूखा है, जबकि तो इसको हमने पानी में डाल दिया था, तो रुमाल कैसे सूखा रह गया? अरे रुमाल इसलिए सूखा रह गया गौरव कि जो है इस ग्लास में जो हमने रुमाल डाला था, रुमाल और इस जल के बीच में हवा थी और हवा ने पानी को ग्लास में प्रवेश नहीं होने दिया और हवा ने वो जगह घेर रखी थी, यानी इससे ये सिद्ध हो गया कि हवा भी स्थान घेरती है। ठीक है ना, हवा भी स्थान घेरती है, यानी गैस भी स्थान घेरते हैं और जो पदार्थों का एक गुण होता है। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि गैस भी एक पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है, वो भी तीन रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ये देखो ये पानी का ठोस रूप है, इसे हम बर्फ कहते हैं। पानी देखो, इसमें पानी है, इसका द्रव रूप, ये देखो पानी अपने द्रव रूप में यहां इस जार में रखा है, इसमें से
देखो हल्की हल्की भाप निकल रही है। ये भैया। जी भैया। इसको देखो हम इसमें ग्लास में ढाल रहे हैं। ये देखो धुआं जैसा निकल रहा है। जी भैया। ये भाप है, देखा? जी भैया। देखो हम फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं। जी भैया। तीन रूपों में पाया जाता है। पहला ये कड़ा होता है। कड़ा होता है, ठीक है। दूसरा आकार नहीं बदलता। दूसरा ये आकार नहीं होता, शाबाश गौरव। तीसरा ये घेरता है। ये स्थान घेरता है, ठीक कहा गौरव। चौथा भार होता है। इसमें भार होता है। जी भैया। ठीक है, ये ठोस के चार गुण है। द्रव के गुण दिखाते हैं। देखो क्या होता है, नर्म होता है। ये क्या होता है, नर्म होता है। और बर्तन के अनुसार आकार बदल लेता है। अभी तुमने देखा था, हमने ग्लास में पानी डाला था। जी भैया। और उसने ग्लास के आकार ले लिया था। जी भैया। हाँ, अभी भार होता है, तुमने उठा के देखा था ग्लास, भरा हुआ पानी का ग्लास। इसे क्या सिद्ध होता है, इसमें भार होता है, ठीक है। गैस उड़ती रहती है भाई, हवा तो उड़ती रहती है, चलती रहती है, है ना। देखो और दिखाई नहीं देती है, स्थान के अनुसार फैल जाती है भाई, जितनी जगह मिल जाएगी उतने में वो फैल जाती है। और अभी हमने तुमको गुब्बारे वाले से उदाहरण से दिखाया था कि इसमें भार होता है। भार होता है। अब तुम लोग तो समझ गए होगे कि पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं। जी भैया। पानी जो है तीन रूपों में जो पाया जाता है उसको हम तुम्हें दोहरा देते हैं। देखो कैसे, वो ठोस रूप में बर्फ होता है, द्रव रूप में पानी होता है, और गैस रूप में भाप होता है। भाप होता है।